नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खेल कुंभ के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया है। साथ ही कार्यक्रम में शहीद सातवान स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम वहां पे खिलाड़ी मौजूद थे। और इस दौरान आप देखिए किस तरीके से उत्साह वर्त करते हुए वे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान बस्ती पहुंचे थे। तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे और उनका इस दौरान भव्य स्वागत किया गया। वहीं अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया विहिप कार्यकर्ता अशोक के घर से निकले और इस दौरान बाजार शुक्ल पहुंचे और जहां पर उन्होंने प्राचीन महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया लाला का परवा गांव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का जोरदार स्वागत करते नजर आए हैं। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार को देश हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रवीण तोगड़िया का पलटवार सामने आया है। जहां एक तरफ प्रवीण तोगड़िया का बयान सामने आया है, वहीं अमेठी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन देश में कहीं भी राम राज्य नहीं दिख रहा है। दरअसल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए तोगड़िया ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो समझो हो ही गया है, लेकिन अब देश में राम राज्य भी आ जाना चाहिए, मगर राम राज्य तो कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि इस दौरान हिंदुओं आगे बढ़े और इस दौरान राम मंदिर जिस तरीके से बन रहा है उसको लेकर हिंदू आगे आए और पूजा पाठ करते हुए नजर आए। युगो युगो से है, परंतु हिंदू राष्ट्र में थोड़ी कठिनाइयां है, यह हमें दूर करनी होगी। काशी मथुरा का भी मंदिर बनाना होगा और सभी हिंदू बेटा बेटियों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार मिले, वो कहेंगे तब हम कहेंगे कि भारत में सच्चा हिंदू राष्ट्र है। जिस तरह से सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को लेकर के टिप्पणी किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? करोड़ों हिंदुओं के दिल में जो श्रद्धा है वो किसी की टिप्पणी से न हटती है। वहीं कासगंज में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित पटियाली कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस दौरान एसपी का स्वागत कोतवाली में फूलों से सजाया गया है और इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दी है। आपको बता दें कि पटियाली कोतवाली के निरीक्षण के दौरान एसपी सौरभ दीक्षित ने महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया है और अब तक रजिस्टर को चेक किया गया और साथ ही हेल्प डेस्क कर्मचारियों के निर्देशित भी किया गया है। आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस मित्र की किस तरह से व्यवहार किया जाए इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। साथ ही उनकी समस्या को सुनकर हर संभव मदद किए जाने के निर्देश देते नजर आए हैं। इसके साथ ही कार्यालय में दस्तावेजों के अधाविधिक रहने और साथ ही रखरखाव को दस्तरत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं और बाल अपराधियों पर विशेष सतर्कता बरती जाए और प्रत्येक छोटी घटनाओं को गंभीरता से लेकर उनका निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही वाहनों के रखरखाव और लंबित वाहनों के निस्तारण के लिए संबंधियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं।
अब खबर आगरा से है, जहां पर एसओजी पुलिस आयुक्त टीम और साथी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को दबोचा गया है और साथी पुलिस से पूछताछ बदमाश से पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि उसने कई लूट की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस बता दे कि बदमाश से लगातार पूछताछ कर रही है और इस दौरान इस घटना में और कौन कौन शामिल है इसको लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। साथ ही बता दे कि इस मौके पर 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, आधा दर्जन जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद किया गया है। आज बीचपुरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत पुलिस पिकेट लगाकर एक साथी अपराधी जो लोहा मंडी की लूटी घटना में शामिल था, मुखबिर की सूचना पे उसकी घेराबंदी कर रही थी। वो अपने चरपहिया वाहन से आया और पिकेट को तोड़ते हुए भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं और उसने 4 राउंड फायरिंग पुलिस पार्टी के ऊपर किया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने भी उसके ऊपर आत्मरक्षा करते हुए फायर किया, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इसने प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है उसमें इसने ये कबूला है कि ये पिछले 2 माह में 3 राज्यों में 6 लूट की घटनाएं कर चुके हैं और फरीदाबाद में इन्होंने एक लूट की घटना की थी जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी थी और जो लोहा मंडी में लूट की घटना की थी इन लोगों ने उसमें 4 व्यक्ति को गोली मारी थी। कासगंज जनपद में जहां एक ओर सोर स्थित पुलिस लाइन में जिले के आला अधिकारी के सामने गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, तो वही दूसरी ओर पुलिस लाइन में ही इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिस की उल्टी टोपी लगाकर दबंग मूवी की तरह चुलबुल पांडे की तरह रोब झाड़ते नजर आए हैं। जब मीडिया कर्मियों ने अपना कैमरा चालू किया तो इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टोपी उतार कर हाथ में पकड़ ली। अब खबर महाराजगंज से है, जहां पर पशु तस्करों के पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाई थी और यहां पर तस्करों की गाड़ी के सामने कील फेंकी गई थी, जिसके बाद से 5 गौवंशियों को पशु बरामद कर लिया गया है। वहीं यह मामला घुंगली थाना क्षेत्र के खानपुर की घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में सोमवार को 8 से 4 बजे तक की विधान परिषद के गोरखपुर फैजाबाद स्थानक निर्वाचन चुनाव मतदान होना है, जिसके लिए श्रावस्ती पुलिस ने तैयारियां जोरों पर कर ली है। वहीं सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए एसपी प्राचीन सिंह ने अलग अलग मतदेय स्थानों का निरीक्षण किया है और साथ ही आज पुलिस लाइन सभागार कक्ष में मतदान ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों और साथ ही थाना प्रभारियों की गोष्ठी कर चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ करते हुए एसपी प्राचीन सिंह ने कहा है कि चुनाव के दौरान मतदान करने आए मतदाताओं की गहनता से जाँच पड़ताल की जाए। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर करंडा ब्लॉक में जमुआव ग्राम सभा के ग्राम पंचायत सचिवालय में ग्राम चौपाले लगाकर ग्राम प्रधान अंकेश कुमार सिंह सोनू और साथ ही सचिव जयप्रकाश पाल की मौजूदगी में खंड विकास अधिकारी विजेश कुमार अस्थाना ने ग्रामीणों की समस्या को सुना है और साथ ही ग्रामीणों को बारी बारी से अपनी समस्याओं को वीडियो के सामने रखते हुए नजर आए हैं। कुछ ग्रामीणों ने कहना है कि लेखपाल राकेश राय अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों का खाद्य नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो ज़्यादातर परेशान है। वीडियो ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया है और साथ ही जल्द समस्याओं के समाधान के निर्देश भी देते नजर आए हैं। काल का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीणों की समस्या जो तहसील ब्लॉक जिला चक्कर लगाते हैं उनकी समस्या का समाधान गांव में ही कर दिया जाए। जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं उनसे ली जाती हैं
और प्रयास ये रहता है कि जो यहाँ पर समस्या निस्तारित की जानी है उसको यहीं कर दिया जाए और जो समस्याएं निस्तारित होने में समय है उसके लिए उनको समय दे दिया जाता है कि आपको इतने समय में ये समस्याएं निस्तारित। सर ग्रामीणों द्वारा कितने समस्या आपके समक्ष रखे गए हैं? अब समस्याएं जो है 20 समस्याएं आई हैं। देखिए ये ग्राम चौपाल या इसको कहा जाए गांव की समस्या गांव में ही समाधान के तहत ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं हैं उनका बहुत जल्द समाधान करना ही इस जन चौपाल का उद्देश्य है। प्रधान जी ग्रामीणों का कहना है कि जो छोटा पशु है काफ़ी ज़्यादा हो गए इसको लेकर क्या कहना है? इधर जो आवारा पशु कहा जाए या छोटा पशु कहा जाए उनका जो तादाद है जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत नगला खास के समाज सेवी सोनू शुक्ला के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गरीब असहाय महिलाओं को और पुरुषों को साड़ी और चादर वितरित किए गए हैं। साथ ही बता दें कि वही मीडिया से बातचीत करते हुए सोनू शुक्ला ने बताया है कि गरीब असहाय लोगों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने बताया है कि मैं हर साल इसी तरह इस कार्यक्रम के करके गरीब असहाय लोगों की मदद करने का कार्य करता हूँ और मैं जब तक जीवित रहूँगा इसी तरह गरीब असहाय लोगों की मदद करता रहूंगा। वहीं आगरा में मानसिक रूप से बीमार महिला ने अपने आप को अचानक से आग लगा ली है। बता दें कि महिला के कपड़ों में आग देखकर परिजनों में हड़कंप समझ गया। वहीं आग में झुलसी हुई महिला को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूरा मामला थाना बीह क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जरार का बताया जा रहा है। बांदा में पुराने रंजिश के चलते युवक की गला घोटकर हत्या की गई है। बता दें कि परिवार में कोहराम समझ गया। वहीं ये पूरा मामला पेलानी थाना क्षेत्र के मरझा गांव का बताया जा रहा है जहां कुल्लू सिंह और जिसकी उम्र 55 वर्ष है और मृतक कल्लू सिंह गौर के छोटे भाई नरेंद्र सिंह गौर ने जानकारी देते हुए बताया है कि शाम 7 बजे गाँव के बलरामपाल प्रेमचंद्र पल्लू उर्फ बदरपाल मेरे भाई कल्लू सिंह को घर से दरबार करने के लिए बहाने से ले गए और जब लगभग घंटा भर बीत गया और वे नहीं लौटे तो हमने खोजबीन शुरू की और इस दौरान बता दें कि लगभग 200 मीटर दूर जंगल के रास्ते मेरे भाई का शव पड़ा हुआ मिला है जिसको लेकर थाना पेड़ानी में मैंने घटना की तहरीर दे दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। अब खबर उन्नाव से है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल पिकअप और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हुई है। इस दौरान हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने और राहगीरों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया और CHC में भर्ती कराया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।